हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली दोस्तों, आज की वीडियो में उन सब के लिए लेके आ गए हूँ जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा मैसेज आते हैं कि सर जल्दी है जल्दी हम टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। अगर हम बिगनर से, हमें टाइपिंग नहीं आती, आपको ये भी नहीं पता कि सर कौन सी उंगली किस पे टाइप करनी है, तो ये वीडियो उन सब के लिए मैं लेके आ गया हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, MTS, लोअर डिवीजन क्लर्क, किसी भी पोस्ट के लिए क्लैरिकल में आप अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए टाइपिंग बहुत अनिवार्य होती है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आपको जल्दी जल्दी कैसे आप सीख सकते हैं टाइपिंग इस बारे में सारी जानकारी दूंगा और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए जिनको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती। दोस्तों आपको शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले कोई नियर बाय दुकान ढूंढनी है जिसपे टाइपराइटर रखे हो। ध्यान रखना दोस्तों, टाइपराइटर पे स्टार्टिंग करनी है, आपको कीबोर्ड पे स्टार्टिंग नहीं करनी। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि जब आप अपनी स्टार्टिंग करते हैं और आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आती है टाइपराइटर पे, डिफिकल्टीज के साथ साथ दोस्तों जब आपको ज्ञान होने लगता है कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबेगा, तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब आप अपनी टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पे, तो एज कंप्यूटर टाइपराइटर आपकी जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है 10 से 15 वर्ड पर मिनट में। ये काफी बड़ा रीजन होता है दोस्तों कि टाइपराइटर स्टार्टिंग करने का, और उससे क्या होता है आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं फेस करने को होती है। अब जैसे दोस्तों आप नियर बाय कोई ढूंढते हैं शॉप वगैरह, तो उस पर क्या करना है आपको एक या दो महीने ज्यादा ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले लेना। टाइपराइटर पर आप 10 से 15 दिन में अपनी उंगलियां बैठा लेंगे, उसके बाद आप वहां पर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देना। और अगर दोस्तों आप घर पे ही तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आपको क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। वो बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उस पर आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देना। आप खुद उस पर एज्यूम करना दोस्तों कि आप में इंप्रूवमेंट है या नहीं है। अब दोस्तों बेसिक सवाल ये आता है निकल कि आपको कितना टाइम लगता है, एक दिन में कितनी देर टाइपिंग करें ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो काफी लोग आपको ये भी सजेशन देंगे कि आप दिन में 4-4 घंटे करिए, 5-5 घंटे करिए, तो मैं आपको सिर्फ ये सजेशन दूंगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप 10-10 मिनट के स्लैब बनाइए। 10 मिनट आपको करनी है, 15 मिनट का रेस्ट दे दिया, आधे घंटे का रेस्ट दे दिया, फिर 10 मिनट करनी है, ऐसे ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 6 अपने स्लैब बनाइए, यानी कि स्लॉट बनाइए खुद के। आपको 5 से 6 स्लॉट लेने हैं 10-10 मिनट के, जिससे कि आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है कि आप घंटे घंटे तक करे जा रहे हैं, और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत पता लगने लगे, जैसे कि आपकी 20 से 25 की स्पीड आने लगे, और एक्यूरेसी का दोस्तों ध्यान रखना है 25 तक की स्पीड आपकी आ रही है, तो आपको क्या करना है, मॉनिटर पे नहीं देखना। मॉनिटर पे ना देख के आप जो आप जिस पे से टाइपिंग कर रहे हैं, सपोज करो आप किसी बुक में से या किसी न्यूज़पेपर से टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बाद में जब आपके 10 मिनट हो जाए टाइमर के हिसाब से, तो आपको चेक करना है कि कितनी आपकी मिस्टेक रही है, उससे आपकी एक्यूरेसी मिलेगी। दोस्तों ये सजेशन मैं उन सब के लिए दे रहा हूं जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी स्पीड जल्दी है जल्दी इंक्रीज हो जाए। दोस्तों मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जब मेरी स्पीड 30 से 35 आई थी, तो मैं क्या करता था, उस पे कपड़ा डाल देता था मॉनिटर पे और अपनी टाइपिंग करता था। उसके बाद मेरी स्पीड 40-45 आराम से निकल जाती थी, क्योंकि आपको अंदर से विश्वास एक निकलने लगता है कि हमें जल्दी जल्दी एक टाइपिंग करनी है, पता नहीं टाइम कितना बच रहा है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी दोस्तों, और कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कि आप नहीं कर सकते, आपको करना है। अगर आपके नियर बाय कोई टाइपराइटर की दुकान नहीं है या कोई भी दुकान नहीं है जो कि टाइपिंग सिखाते, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप खुद पे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये बहुत बेनिफिशियल होता है दोस्तों। अगर आपको कोई बुक लेनी है पर्टिकुलर टाइपिंग के रिगार्डिंग, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हैं, वो स्पेशली फॉर टाइपिंग के लिए होती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।